कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन वही भगवान अगर किसी को प्रूव कर दे तो क्या कहेंगे। भगवान ने इंसान को वो शरीर दिया है जो किसी भी जीव को नहीं दिया, लेकिन उसी शरीर को कोई विकलांग कर दे, ऐसे झोला छाप डॉक्टर के इलाज से किसी की जिंदगी मौत के मुंह में ले जाकर छोड़ दे, तो ऐसे लोगों का इंसाफ कौन करेगा, उसे पहले जैसी जिंदगी कौन ला कर देगा। आज हम ऐसे झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसने एक महिला की जिंदगी खराब कर 3 बच्चों को बेसहारा कर दिया, चारों हाथ पांव से विकलांग कर दिया। नागदा तहसील खजरो जनपद के गांव लेपोड़ा अंजना की नाथ समाज की सपना का अच्छे परिवार का सपना ध्वस्त हो गया। उसका हंसता खेलता परिवार था, 3 बच्चियों और पति के साथ वो रहती थी, लेकिन बुखार के इलाज के कारण झोला छाप डॉक्टर ने जीवन खत्म कर दिया। शिकायत के बावजूद फर्जी डॉक्टर पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही सपना को शासन की तरफ से राहत। ऐसे में पति ने भी पत्नी को छोड़ दिया। ऐसे में सिस्टम पर सवाल या निशान है कि इतना गंभीर मामला होते हुए आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई। फिर शाम को वो एक दो मैंने पी भी सही, ने एक बाटल भी छोड़ी, ने उसमें 2-3 वो क्या बोलते अंगीसन छोड़ा उसने। अंगीसन छोड़ने के बाद में हम आ गए घर पे, अब इलाज पानी करा, बुखार भी नहीं उतरा न वो पेट में फिर जलन लगने, तो सुबह हम गए वहाँ पर, काले हाथ पाँव पड़ने लग गए थे उस दवाई गोली से। तो हमने बोले कि डॉक्टर साहब ये क्या होने लग गया, काले हाथ पक्का कैसे पड़ने लग गया, तो वो गाली गुप्ता देने लग गया ने। फिर वो दवाई गोली भी छिल ली ने, कमरे में ले जाके मिल ली, ताला दे के भग गया वो कार्तिक डॉक्टर ले कूड़े का स्टेशन के पास। आपका क्या नाम है? सपना। सपना, आपके पति साथ में थे उस समय? हाँ, पति भी था और मेरी सास भी थी, करण और मेरी सास का नाम भमरवाली। अच्छा, तो और आप... 3 लड़की है। आपके बच्चे कितने? 3 है। हाँ, 3 ही लड़की है, लड़के तो एक भी नहीं है। लड़के नहीं। आपके पति आपको अभी रख रहा है? नहीं, रखना चाहता है वो, तो दूसरी भी बिलाएगा, क्या करूँ, मेरी तो जिंदगी बिगड़ गई। हाँ, उसके परिजन आए थे हमारे से पैसा, इलाज के लिए पैसा मंगा था, हमने इलाज के लिए पैसा उनको दे दिया और उन्हें लिख के भी दिया कि हाँ आपके इलाज से कुछ भी नहीं। वो तो पैसा लेने के लिए वो सब कर रहे थे। वो कितना पैसा दिया? कितने पैसे दिए आप? पहले 1 लाख रुपये दिए। 1 लाख रुपये किसको दिए? हाँ, उनके परिवार वाले को दिए। आप जब सही थे तो आपने पैसे क्यों दिए उनको? इलाज के लिए दिए थे। अरे, उनके जैसे एकदम उनके पास कुछ भी पैसा ऐसा नहीं था, इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं था, उस हिसाब से अपन ने ईमानदारी से हम दिए थे उनको पैसा, ये हमने इलाज कराया लोगों।